अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूसुफ टेक्निकल। तो जी दोस्तों, आज फिर आपकी आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही कमाल की और फायदेमंद होने वाली है। आज मैं आपको जोंग पर बिल्कुल ही फ्री में इंटरनेट चला कर दिखाने जा रहा हूँ। तो जी दोस्तों, काफ़ी सारे आप सब दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, हमें अच्छे चैनल की न्यू सेटिंग और उसके बारे में बताओ किस तरीके से हम बिल्कुल ही फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अच्छे चैनल प्लस पर जोंग की सिम पर। तो जी दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली होने वाली, ये आप देख भी सकते हैं ऑलरेडी, ये देख सकते हैं ऑलरेडी VPN को मैंने कनेक्ट किया है, ये आपके सामने अच्छे चैनल प्लस VPN मेरा बिल्कुल ही कनेक्ट हो चुका है। तो जी दोस्तों, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको स्टॉप कर दिया, जी दोस्तों, स्टॉप करने के बाद अगर आप बिल्कुल ही फ्री में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपने कौन सी सेटिंग करनी है। तो जी दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सेटिंग बताऊंगा, आपको बिल्कुल ही किसी पैकेज के लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ही जीरो बैलेंस में, जीरो पैकेज में आप जोंग पर अच्छे चैनल प्लस पर फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब दोस्तों तक पहुंच सके। उसके बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जी दोस्तों, इसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी, जब भी आप ओपन करते हैं तो आपके सामने जो भी इंटरफेस आ जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या सेटिंग करनी है, ये आपको 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल रहा है सबसे फास्ट वाला प्ले लोड जनरेटर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जी दोस्तों, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इंटरफेस आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा WW, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर www.snapchat.com आ जाएगा, मैंने इसको रिमूव करके www.whatsapp.com लिखा हुआ है। जी तो अगर आप बिल्कुल ही फ्री में इंटरनेट चलाना चाहते हो तो यहाँ से आपने इधर से इसको रिमूव कर देना है। तो जी दोस्तों, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अब आपने यहाँ पर लिख लें WW फ्री इंटरनेट। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं WW फ्री इंटरनेट .com। ये लिखने के बाद ये देख सकते हैं मैंने ये लिख लिया, आपने ये भी इसी तरीके से आपने ये लिख लेना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है मेथड वाले ऑप्शन पर, यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ये वाला पोस्ट, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये वाला HTTP 1.1, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये काम करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने की वलाई वाला ऑप्शन में टिक कर देना है और यहाँ से फॉरवर्ड होस्ट और यहाँ से आपने क्या काम करना है ऑनलाइन होस्ट, इन तीनों पर आपने यहाँ से टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ से जनरेट वाला ऑप्शन नीचे आपको देखने को मिल रहा है, आपने जनरेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देख सकते हैं हर इंटरनेट वाली बिल्कुल ही फाइल तैयार हो चुकी है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ से आपको अप्लाई वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ नीचे, आपने इस अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमारी फाइल बिल्कुल ही लग चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या काम करना, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है पोर्ट वाला, यहाँ से आपने सिर्फ 80 पोर्ट ही सेलेक्ट कर लेना है, तो 80 पोर्ट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से आपने सर्वर बहुत सारे सर्वर आपको मिल रहे हैं, यहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ से एक सर्वर सेलेक्ट करना, यूनाइटेड किंगडम वाला सर्वर को सेलेक्ट कर लेना है। जी दोस्तों, ये काम करने के बाद आपने क्या काम करना होता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर सिर्फ क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देख सकते हैं
क्लिक करते ही हमारा वीपीएन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है जी दोस्तों। ये देख सकते हैं नीचे, ये देख सकते हैं टाइम भी चल रहा है और ये आपको शट ऑफ वाला ऑप्शन भी नज़र आ रहा है और ये भी देख सकते हैं हमारा वीपीएन कनेक्ट भी हो चुका है। ये आपके सामने सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, लाइव प्रूफ है। तो जी दोस्तों ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने लाइव प्रूफ है। आप भी इसे यही सेटिंग करके बिल्कुल ही फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। तो जी दोस्तों अब हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से मैंने इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद आपने क्या काम करना है मैं भी बता देता हूँ। जब भी ऐड ये आ जाते हैं आपने इसको कर दे, थोड़ा सा वेट कर लेना है जी दोस्तों। अब अपने इस फायर को सेव कैसे करना है, आपने इस फायर को कैसे सेव करना है जी दोस्तों, हम इसको क्लियर कर देते हैं, फिर दोबारा हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जी दोस्तों अब आप इसको कैसे सेव करना है, आपने फिर चले जाना 3 डॉट के ऑप्शन पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ये देख सकते हैं इम्पोर्ट और इम्पोर्ट कन्फिग्स। हम यहाँ से एक्सपोर्ट कन्फिग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जी दोस्तों जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने फाइल का जो भी आपकी फाइल है आपने उसका नेम देना है। हम यहाँ पर एच ए टनल फ्री इंटरनेट इसको नेम दे देते हैं। ये नेम देने के बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना, यहाँ से आप अपनी मर्जी से यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों मैं ये लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों मैं ये लिख देता हूँ, अपने चैनल का मैं नेम भी लिख देता हूँ। ये लिख रखा था हम इसको कर लेते हैं सेव, यहाँ से मैं नेम लिख लूँ टेक्निकल। जी दोस्तों ये काम करने के बाद आपने क्या काम करना, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट वाला, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये हमारी फाइल अब गैलरी में सेव हो चुकी है। तो जी दोस्तों हम फिर दोबारा भी स्टार्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने दोबारा भी स्टार्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो जी दोस्तों ये हमारा वीपीएन बिल्कुल ही फिर भी कनेक्ट हो चुका है जी दोस्तों। ये देख सकते हैं जो दोस्त कहते हैं आप सब कुछ फेक बताते हो, ये कनेक्ट नहीं होता, नहीं होता, ये है वो है, तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल ही लाइव प्रूफ है। ये सेटिंग करने के बाद आप बिल्कुल ही फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करते हैं। किया अभी देखते हैं यूट्यूब हमारा चलता है या नहीं चलता। तो जी दोस्तों ये तो आप देख ही सकते हैं आपके सामने यूट्यूब ही चल रहा है और मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ वीपीएन की सेटिंग कनेक्ट करके भी दिखा दिया है जी दोस्तों। ये देख सकते हैं इस वीपीएन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीपीएन की फाइल का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फाइल का लिंक भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों अगर आप मैंने जो आपको लिंक दी है फाइल की अगर वो कनेक्ट ना हो, तो आप जिस तरीके से मैंने आपको सेटिंग बताई है फिर आपने ये सेटिंग खुद कर लेनी है। उसके बाद आपने कनेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से आपने इस वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है और जोंग पर बिल्कुल ही फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो जी दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, अगर हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।